ऐसा क्यों है कि अरेबियन कंट्रीज़ फिलिस्तीन की जो समस्या है उसको लेकर चिंता तो व्यक्त करते हैं आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन जब फाइनली कोई एक्शन लेने की बात आती है तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं दुनिया में जब कभी भी चाहे वो वर्ल्ड वॉर टू हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर वन हो चाहे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की वॉर हो या कोई भी वॉर हो दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस खड़ी होती है देश से रिफ्यूजीज निकलते हैं वो अपने अगल बगल के पड़ोसी देशों में ही शरण लेते हैं लेकिन अभी आप ये फिलिस्तीन क्राइसिस देख रहे हैं यहाँ पर एक जो बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो रहा है यहाँ पर इन शरणार्थियों को लेने के लिए कोई भी अरब कंट्रीज आगे बढ़कर सामने क्यों नहीं आ रहा इसके पहले भी आपने सीरिया में यमन में इराक वॉर में पहले भी देखा है कि इन कंट्रीज ने उनके बारे में चिंता तो व्यक्त की है आवाज तो उठाई है लेकिन कभी भी शरणार्थियों को शरण नहीं दी और इस बार फिर से आप ऐसे ही देख रहे हैं कि अरेबियन कंट्रीज फिलिस्तीन कॉज को लेकर आवाज उठा रहे हैं चिंता व्यक्त कर रहे हैं लेकिन इन शरणार्थियों को अपने देश में शरण नहीं दे रहे मैं खास कर बात कर रहा हूँ इजिप्ट और जॉर्डन की इसके पीछे दरअसल अरेबियन कंट्रीज की एक खास स्ट्रेटजी जुड़ी हुई है हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेड आईएएस वेड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये जो गाजा सिटी के अंदर अल अही हॉस्पिटल के ऊपर ये जो अटैक हुआ है इसमें 500 से ज्यादा घायल लोग वहां पर मारे गए पहले आपको बताया था कि इससे अब ये इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदल जाए और अब आपको वैसा ही कुछ होते हुए नजर आ रहा है देखिए इसके पहले जब इसराइल के ऊपर से हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट करके भारत के प्रधानमंत्री ने इसराइल की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति अपनी सॉलिडेरिटी प्रकट की थी जिससे लोगों को एक बार को ये लगने लगा कि क्या भारत की इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो अभी तक स्टैंडिंग रही है जो हमारा अभी तक उस पर स्टैंड रहा है क्या उसमें कोई परिवर्तन नजर आ रहा है क्या हम लोग अपनी इसराइल पैलेस्टीन पॉलिसी को लेकर कोई चेंज करने जा रहे हैं लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था लेकिन देखिए अभी जब ये हॉस्पिटल पर हमला हुआ उसके बाद मोदी जी ने एक और ट्वीट किया इतना ही नहीं पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट अब्पास महमूद से उन्होंने फोन करके बात भी की और बात करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस ट्वीट में आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि भारत की पालेस्टीन को जो हमारा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम अपने पुराने पर अभी भी और हमारा पुराना स्टैंड है क्या क्या हमारे प्रश्न को और के आधार पर देखेंगे लेकिन पूर्व के बारे में क्या की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है के फलों का उपभोग हमें हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है तो जो नियम हम पर लागू, और भी लागू हमारा है स्टैंड है वो ये कि हम लोग चाहते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन पर बात बने हम चाहते हैं कि पैलेस्टीन को एक सॉवरन स्टेट की तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह से रिकॉग्निशन मिले ये देखिए भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी अरिंदम बाग्सी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जवाब दिया उनसे भी बात पूछी गई क्या भारत का इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो स्टैंड था उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है क्या तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बदल रही है हमारी पॉलिसी वही है इंडिया सपोर्ट्स स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा तो हमारी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा ये देखिए अभी मोदी जी ने जो यहां पर बात की है पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से उसके बाद जो ट्वीट किया इसमें भी उन्होंने क्या लिखा उन्होंने बताया कि हमने वहां पैलेस्टीन के राष्ट्रपति जी से बात की ये सब चीज तो उन्होंने बोली लास्टली उन्होंने ये बात बोली आई रीटरेटेड इंडिया स्टैंडिंग प्रिंसिपल पोजिशन ऑन इसराइल पैलेस्टीन इशू मतलब हमारा जो पुराना रुख था इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वही है और हमने ये बात उनको फिर से बता दी है कि भारत के इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया है हम अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है देखिए बात क्या होती है जब भी कहीं पर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी होगी हो, अगर हम उसके फेवर में, मतलब उन सिविलियंस के फेवर में स्टेटमेंट देंगे हम जब भी अगर कोई ऐसी क्राइसिस खड़ी होती है वहां पर आपको भारत मदद पहुंचाते हुए सेवा करते हुए नजर आएगा ही आएगा तो ये जो आपने दो जगह पर आपने एक बार जराइल के फेवर में एक बार गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों के फेवर में जो आपने मोदी जी के ट्वीट देखे वो इसी को इंडिकेट करता है जब इसराइल में सिविलियंस को मारा गया तब उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम इसराइल की जनता के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में हमारी सहानुभूति आपके साथ में है और हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं यहीं दूसरी तरफ जब गाजा स्ट्रिप में हॉस्पिटल के ऊपर में बॉम्बिंग हुई उस समय भी हमने ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट जारी किया हमने बोला कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत की तरफ से गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टी के लिए पहुंचाई ने अपनी बढ़ा दी है देखिए ये तो हुआ भारत का रूख ये ऐसे आप दुनिया भर में देखेंगे हर जगह ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा रशा भी देखिए रशा भी अब इस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड में पहुंचा रहा है और इंडिया रशिया वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ यही नहीं है इसराइल का भी रुख में अब आपको काफी नरमी देखने को मिलेगी मैंने आपको बताया था कि ये हमला जो हॉस्पिटल पर हुआ है इसने इस, इस कॉन्फ्लिक्ट का रुख कहीं ना कहीं मोड़ा है इसराइल को जो हर पूरी दुनिया से सिंपैथी मिल रही थी उसमें कहीं कमी आई तो जो मोमेंटम उनको मिला था इसराइल को अब वो लूज नहीं करना चाहते इसलिए उन्होंने भी अपने स्टैंड में एक सॉफ्टनेस दिखाई है जब सॉफ्टनेस दिखाई इसराइल ने भी अपने स्टैंड सॉफ्टनेस दिखाई और जो एक कंप्लीट सीजर कर रखा था उन्होंने गाजा स्ट्रिप का उस कंप्लीट सीजर को उन्होंने कहीं ना कहीं इजी किया है और देखिए उन्होंने क्या बोला कि अगर इजिप्ट की तरफ से कोई किसी प्रकार की एड पहुंचाना चाहता है तो हम उसको अलाउ करेंगे उसके बाद इजिप्ट ने भी ऐसे ही कोई स्टैंड रखा इजिप्ट ने भी कहा कि हाँ ठीक है हम अपने बॉर्डर के साइड से ह्यूमेटेरियन एड अंदर जाने देंगे लेकिन अभी भी एक चीज कही कि बॉर्डर स्टिल क्लोज फॉर शेल्टर इजिप्ट ने ये बात कही है कि अभी भी पैलेस्टीन की तरफ से अगर कोई रिफ्यूजी बन करके इजिप्ट में आना चाहता है तो उनके लिए दरवाजे नहीं खुले अब आप देखिए एक तो पहले आप एक बार हम लोगों को मैप में देख लेना चाहिए कि सब जगह है कहां पर इजिप्ट का बॉर्डर कैसे देखिए ये एंटायर मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज अरेबियन कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं उसमें आपको यहां पर इसराइल नजर आ रहा है इसराइल का आप यहां पर साइड में देखिए जो बॉर्डर बन रहा है ये इजिप्ट के साथ में बन रहा है इजिप्ट यहां पर इतना हिस्सा आपको अफ्रीका में और इतना हिस्सा आपको एशिया में नजर आएगा यहां पर आप जानते हैं स्वेस कैनाल है दिस इज रेड सी गल्फ ऑफ स्वेस गल्फ ऑफ अकाबा स्वेस कैनाल और ये मेडिटेरेनियन सी गल्फ ऑफ स्वेज और एस्थमस ऑफ स्वेज के बाद ये जो सिनाई पेनिस्ला पड़ता है ये एशिया के साइड ये एशिया के साइड यहां पर इनका बॉर्डर लग रहा है इसको तो आप फिर से ध्यान से देखिएगा यहां पर इनका हिस्सा है गाजा स्ट्रिप ये देखिए इसराइल का मैप और ये गाजा स्ट्रिप गाजा स्ट्रिप का एक बॉर्डर यहां पर ये इजिप्ट के साथ में लग रहा है गाजा स्ट्रिप आपको पता है कि एक यहां पर इसको काफी इसराइल की तरफ से कंट्रोल करके रखा जाता है इसमें कुछ खास ओपनिंग्स है जहां से लोग गाजा स्ट्रिप के अंदर एंटर कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं आप देखेंगे जितनी भी ओपनिंग्स हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छ ये छह ओपनिंग्स हैं जो इसराइल कंट्रोल करता है और एक ओपनिंग है ये रफा ओपनिंग बोलते हैं इसको इजिप्ट कंट्रोल करता है और इन फिलहाल इन छह ओपनिंग्स में से एक एरेज ओपनिंग और एक ये कैरम शोलॉन ओपनिंग यही दो ओपनिंग्स है जो कि अभी वर्तमान में खुली हालांकि एकदम प्रेजेंट सिचुएशन हैं कोई 2005 से दो सभी खुली हुई और एक तीसरी रफा ओपनिंग तो अभी ये जो आप इजिप्ट की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचते हुए देखेंगे ये ह्यूमैनिटेरियन एड इसी रफा ओपनिंग से जाएगी तो, तो हुआ मैप क्वेश्चन क्वेश्चन ये कि आप अरेबियन कंट्रीज को

सिर्फ फाइनेंशियल एड ही नहीं दी गई बल्कि उनको शेल्टर भी प्रोवाइड किया गया लेकिन ऐसा ही सिचुएशन जब अरेबियन कंट्रीज में किसी इस्लामिक कंट्री में खड़ा होता है तो कोई इस्लामिक बड़ा देश सऊदी अरेबिया कतर बहरीन ईरान इराक सीरिया कोई भी आपको इन रिफ्यूजीज को अपने पास शरण देते हुए नहीं मिले ऐसा हम लोगों ने सीरियन क्राइसिस के समय में देखा था ऐसा आपने जब रोहिंग्या क्राइसिस हुई तब देखा जर्मन में जब क्राइसिस आई तब देखा अभी भी आपको पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर भी देखने को मिल रहा है कि कोई भी एक कंट्री एरेबन कंट्री पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को अपने देश में लेने के लिए तैयार नहीं बाकी देशों के बारे में तो हम लोग कभी और बात करेंगे लेकिन पैलेस्टीन के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को ना लेने के पीछे इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी क्या है देखिए सारी लड़ाई आखिर इसराइल में है किस चीज को लेकर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कि यहां पर टू स्टेट सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा दो स्टेट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे शुरुआत में तो ये होता था कि पेलेस्टीनियन चाहती थी कि इजरायली टेरिटरी ना बने, स्टेट ना बने स्टेट बन गया। फिर का स्टेट पैलेस्टीन स्टेट, स्टेट बन जाए और एक जैविश पॉपुलेशन का स्टेट इसराइली स्टेट बन जाए तो टू स्टेट सोल्यूशन की अक्सर बातें होती है लेकिन देखिए अगर यहाँ से एरेलियन पॉपुलेशन इस अटैक के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिफ्यूजी बनकर अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में चली गई और उसने अगर इस रीजन को गाजा स्ट्रिप को वेस्ट बैंक कोई जहां कहीं भी रहते हैं अगर ये एरिया खाली कर दिया अगर ये स्थान अरेबियन पॉपुलेशन से विहीन हो गया खाली ही हो गया तब तो इनका क्लेम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा इसराइल का ऑक्यूपेशन इस पूरे एंटायर रीजन में हो जाएगा और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इनकी पोजिशन खत्म हो जाएंगी और पेलेटीनियंस का क्लेम हमेशा हमेशा के लिए शायद खत्म हो जाएगा जिस टू स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है वो खत्म सिर्फ वन स्टेट रह जाएगा इसराइली स्टेट ऐसा अरेबियन पॉपुलेशन को लगता है यही कारण है कि वो यहां से लोगों को निकलने नहीं देना चाहते जैसा आपने यूक्रेन में देखा यूक्रेन के प्रेसिडेंट अमेरिका नेटो यूक्रेन के लिए क्या बोलता है ये फाइट रशिया से वो लोग आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े उसी तरह से यहां पर अरेबियन कंट्रीज इनके लिए कहती हैं पैलेस्तीनियंस के लिए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को आखिरी पैलेस्तीनियंस तक लड़े